हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली की महत्वपूर्ण विशेषताओं, प्रकारों तथा गुणों पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे, प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण अनुसंधान और डेटा संग्रहण उपकरण है। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट मेन हेडिंग विशेषताएं। तो विशेषताएं में हमारी जो है फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी परिचितता। तो इसमें हम लिखेंगे, एक अच्छी प्रश्नावली को सरल और समझने में आसान होना चाहिए ताकि प्रतिभागी सही जवाब दे सके। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रासंगिकता। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रश्नों को उचित समय, स्थान और संदर्भ के साथ संबंधित बनाए रखना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रभावी। तो इसमें हम लिखेंगे, प्रश्नावली को इसके उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रकार। तो इसमें हम मेन हेडिंग होगी ये हमारी, उसके बाद इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, समय सीमित और असीमित प्रश्नावली। तो इसमें हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली में सीधे सीधे उत्तरों का विचार किया जाता है, जबकि अस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली में उत्तरों को स्वतंत्र रूप से देने का सुविधा होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रश्नावली। तो इसमें हम लिखेंगे, क्वालिटेटिव प्रश्नावली में व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को महत्व दिया जाता है, जबकि क्वांटिटेटिव प्रश्नावली में आंकड़ों और सांख्यिकी तत्वों का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी गुण, ये मेन हेडिंग होगी, और इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सामाजिक अद्यतन। तो इसमें हम लिखेंगे, प्रतिभागियों को चाहिए कि वे खुले मन से और सच्चाई से उत्तर दें और सामाजिक अद्यतन का सामर्थ्यपूर्ण प्रभाव को कम किया जाए। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी संरचना और तारतम्य। तो इसमें हम लिखेंगे, प्रश्नों को एक स्वरूप में आयोजित करना और उन्हें आवश्यकता अनुसार क्रमित करना महत्वपूर्ण है। फिर इसी में हम आगे लिखेंगे कि अच्छी प्रश्नावली उचित रूप से डिजाइन की गई होती है ताकि वह सटीक और विशिष्ट डेटा प्रदान कर सके और अनुसंधान के उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।